बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है प्रोशन स्टूडियो और ड्रामा सीरियल जनाब बहरूप की जो एपिसोड नंबर 48 चली है उसके ऊपर रिव्यू हम पेश कर रहे हैं। हमारे व्यूअर बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो ये जनाब कंजा है और कंजा जो है बात कर रही है सुहेल से, और सुहेल जो है ऑलरेडी शादी कर चुका है खुफिया तरीके से, वो भी सोनिया से जनाब, और इस्लामाबाद में बैठा हुआ आराम से। और जैसे ही किंजा की कॉल आती है तो एक बार तो वो कांप जाता है, क्योंकि किंजा जो है ये वैसे ही सही रोब और दबदबे वाली है। दूसरी तरफ जनाब ये है तैमूर, और तैमूर जो है इसको टेंशन बहुत हो रही है, क्योंकि जिन पत्तों पे मान होता है वही अगर हवा देने लगे तो फिर परेशानी तो बहुत होती है कि अपने जिनको आप सारी उम्र अपना समझते हो वही आपको धोखा दें तो फिर क्या होता है। दूसरी तरफ ये है जनाब मेड, और इसकी बातचीत हो रही है सोनिया से, ये जनाब सोनिया अपनी माँ की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन कर रही है इस्लामाबाद से। और ये तैमूर जो कि नहायत ही टेंशन में भाभी के इस रवैये से और उसके जो उसने उसके साथ किया कि उसका जो बच्चा है वो तक खा लिया। दूसरी तरफ फलक वो अपनी टेंशन में मौजूद, और इधर जनाब सुहेल और सोनिया मज़े में। ये फलक फ़ोन करते हुए तैमूर को कि वो कहाँ चला गया, और वो बैठा जनाब टेंशन में। दूसरी तरफ ये जनाब आ गया सोनिया के दोस्त का भी फ़ोन बाहर से आ जाता है, और वो उसका फ़ोन सुनने के लिए कमरे से बाहर जा रही है। उसको अलग से उसने लारा लगाया हुआ है, और ये हैं जनाब वफ़ादार बीवी कैसी होती हैं तो फलक को देख लो। ये शोहर के इंतज़ार में बाहर सीढ़ियों के साथ ही सो गई है, और जैसे ही तैमूर ने आके आवाज़ दी फलक तुम इधर, और उसने कहा बाकी छोड़ो मैं इतनी देर से फ़ोन कर रही थी तो आप फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे थे, मुझे फ़िक्र हो रही थी, ये कहना था जनाब फलक का। और दूसरी तरफ ये नागन कंजा बहरूप ये के रूप में जो कि बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं कर रही, और उसका ये फैसला है कि मैं इनको अपने घर से निकाल दूंगी। ये अब एक नई टेंशन बन चुकी है जनाब, तो देखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो जनाब इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमारा जो रिव्यू होता है 1 से 1.5 मिनट का और इसमें पूरे घंटे की जो तफसील है वो हम आपको बता दिया करते हैं, ताकि आपको घंटा भर टीवी के सामने बैठ के ड्रामा न देखना पड़े, और क्या कुछ इस एपिसोड में हुआ है वो आपको एट दिस पार्ट पता चल जाए। तो जनाब हमारे साथ रहने का शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नौमी भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।